हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गगन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिक आरएस 200 के बारे में। हम बात करने वाले हैं जो कि BS6 मॉडल नियर शोरूम में आ चुकी है। तो क्या डिफरेंट है और क्यों इसको लेना चाहते हैं लोग, ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, और प्राइस भी आपको बताऊंगा कितना है इसका। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स आपकी पल्सर NS नहीं है, RS 200 है, जो कि फुल फेयरिंग बाइक है, डेविल बाइक बोल सकते हैं एक तरीके से। जिनको पसंद है KTM की RC 200 नहीं ले सकते हैं, उनके लिए बेस्ट बाइक है, क्योंकि ये 50,000 उससे कम है। बस ये है कि वो KTM है और ये बजाज है, बाकी आपको मज़ा उतना ही आने वाला है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर भी वैसे ही है, मज़ेदार है। 200cc का इंजन है, पावरफुल है। समथिंग डिफरेंट ये है कि फेयरिंग आपको पूरी मिल जाती है, जिसमें आपको इंजन दिखेगा ही नहीं, और लंबी गाड़ी है, पोजीशनिंग भी अच्छी है। तो ये मिक्स NS का पेरीमीटर फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है, और थोड़ा डाउन की ओर है, बाकी पोजीशनिंग बहुत खूबसूरत है इस गाड़ी की। तो चलिए मैं फ्रंट से आपको बता दूं, तो प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम आपको मिल जाता है, छोटे DRL मिल जाते हैं, एक खूबसूरत डेविल लुक देता है। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी LED मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर जो है लो बीम का 55 वाट का है, हाई बीम का 65 वाट का आपको मिल जाता है। तो ये इसका एक खूबसूरत लुक है, एक डिफरेंट लुक है। बहुत कम लोग इसको प्रीफर करते हैं, और जो करते हैं, जिनको RC जैसी गाड़ी पसंद है, इन्हें फुल फेयरिंग वाली पसंद है, उनके लिए बनाई हुई पल्सर की गाड़ी है RS 200। तो इधर से हम बात कर लेंगे, डुअल चैनल आपको ABS मिल जाता है, जिसमें 300 का डिस्क मिलता है, ABS आपको मिल जाता है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, ग्राफिक्स दी हुई है। तो ये जो है, ये 3 कलर में आपको मिल जाएगा, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो हमारे पास ब्लैक है फ़िलहाल तो, और यहाँ पर आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि 180-17 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिलते हैं। जो NS में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, वही इसमें भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये पल्सर है, सब मिक्स करके आपको इसमें पूरा फिटिंग की हुई है RS में, ये एक तरीके से। तो ये जो फेयरिंग है, आप यहाँ से कवर करते हुए पूरे यहाँ तक है, उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है ये प्लास्टिक का है, जो यहाँ आप देखने को मिल जाएगा, कैटलेटिक कन्वर्टर सब अंदर दबा हुआ है, लिक्विड कूल दिया हुआ है, तो वो भी अंदर में है। तो फेयरिंग कुछ इस तरीके की है, और टेलीस्कोपिक फोक्स आपको देखने को मिल जाता है, ये प्लास्टिक का है और मजबूत है। यहाँ पर आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाएगा, जो कि NS में जैसा था वही आपको फ्रेम मिल जाएगा, चेचिस बोल सकते हैं एक तरीके से। इंजन की बात कर ले तो फ्यूल इंजेक्टेड आपको इंजन मिल जाता है, जो कि पूरा छुपा हुआ है। ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल्व 200cc VS4 DTSI FI इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है, 199.5cc की है, 24.5 BHP पैदा करती है, और इसके टॉर्क की बात कर ले तो 18.7 NM का इस गाड़ी का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको DTSI ट्रिपल स्पार्क यहाँ पर दिखेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। फुटरेस्ट जो है वो भी एक अच्छे दिख रहे हैं, यूनिक दिख रहे हैं। एल्युमिनियम फ्रेम्स जो दिए हुए हैं वो ग्रे टाइप के हैं, ग्रे पॉलिश है, और एग्जॉस्ट है, कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से पीछे का लुक अलग ही उभरता हुआ आएगा। पीछे के रियर डिस्क में आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी वाइट से कवर की हुई, और MRF के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि 130-70-17 इंच के लेवल के साथ आपको मिलती है, और 230 का आपको डिस्क मिल जाता है, विथ ABS मिल जाता है पीछे। तो यहाँ पर आपको रियर हगर मिल जाएगा, क्योंकि कीचड़ से प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उसके लिए रियर हगर आपको यहाँ पर लगा हुआ पूरा नीचे तक मिलेगा। और इसका एक स्टाइलिश लुक देने की वजह से ये आपको यहाँ नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और एक लंबी चौड़ी LED मिल जाती है, टेल लाइट आपको, जो एक यूनिक लुक देती है इस RS 200 को। तो यहाँ पर ग्रैब रेल आपको नहीं मिले, क्योंकि यहाँ खाचा दिया है, यहाँ आप अपना हाथ फंसा के इसको खींच सकते हैं। तो कुछ यूनिक टाइप का RS 200 है, हमेशा आपको देखने को मिली है। तो RS 200 यहाँ पर स्टिकरिंग आपको मिल जाएगी, और जो सीटिंग पोस्चर है वो भी डिफरेंट है, देखिए चौड़ी चौड़ी है, ना पीछे जो भी बैठेगा पिलियन हो वो कम्फर्ट मिलेगा। जनरली कई ठोक ऐसी गाड़ी है जिसमें नहीं मिलती है, तो RS 200 है, और RC से कंपेयर करें तो RC 200 में तो आपको बैठने के भी मिलते ही नहीं पिलियन को, तो इसमें पिलियन बैठ सकता है अच्छा खासे। चेन पॉकेट आपको नहीं मिलेगा, साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है, वो जनरली निकालो या लगा दो एक ही बराबर है फ्रेंड्स। तो पीछे में आपको मोनो शॉक्स मिल जाते हैं एडजस्टेबल करने के लिए, और यहाँ पर जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो डिफरेंट है, यहाँ पर आपको ओपनर दिया हुआ, सीट ओपन कर सकते हैं,
यहाँ बैठने के बाद जो ग्रिप है उसको देने के लिए एक रबड़ का ग्रिप लगा हुआ है टैंक में, जो अच्छा खासा ग्रिप आपको देगा पकड़ने में, और यहाँ पर कंट्रोलिंग अच्छी बनेगी। इसके लिए यहाँ पर रबड़ का आपको ग्रिप मिल जाता है। यहाँ सीट बहुत पतली है और ये जो ग्रिप है वो भी पतला है मगर अच्छा है। तो पल्सर यहाँ पर छोटे से लिखा हुआ है, बाकी में आपको पल्सर अच्छा उभरता हुआ बड़ा सा लिखा हुआ मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर गियर की बात कर लें तो आपको फर्स्ट, न्यूट्रल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, छः गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ 6 गियर आपको 200 सीसी में मिल रहे हैं, अच्छा खासा आप अच्छे स्पीड में भगा सकते हैं, रेसिंग बाइक कह सकते हैं एक तरीके से इस गाड़ी को। यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर से बात कर लेते हैं तो तेल लीटर टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर छोटा सा स्टिकरिंग किया हुआ है, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक है, फिर मैट फिनिश है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टिकरिंग की हुई है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फुल्ली एलियन बाइक बोल सकते हैं एक तरीके से, फेयरिंग कुछ उस तरीके का है, टैंक का लुक भी कुछ इस तरीके का है, सेम एज इट इज़ हाई बीम लो बीम आपको मिल जाता है, इंडिकेटर हॉर्न मिल जाता है और यहाँ ऑन ऑफ मिल जाता है। वाइज़र है वो थोड़ा दूरी में मिलेगा क्योंकि RS 200 यानी कि फुल फेयरिंग बाइक है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग करने के लिए, मैनुअल सेट करने के लिए लोगो आपको बजाज का मिल जाता है। यहाँ बैटरी के मिल जाता है, हाई बीम मिल जाता है, ऑयल के लिए मिल जाता है, इंडिकेटर्स मिल जाता है और न्यूट्रल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जो टैकोमीटर है वो आपको एनालॉग मिल जाता है। यहाँ ABS के लिए दिया हुआ है, फ्यूल के लिए एक साइड में दिया हुआ है, यानी कि ये NS और RS मिक्सिंग है। और हाई RPM में यहाँ इंडिकेट्स करेगा आपको, स्पीडोमीटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा और ODO यानी ट्रिप मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। AHO लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, सेल्फ है और इंजन स्टार्ट ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। और जो इसके मिरर्स हैं वो आपको थोड़े दूर में मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। तो ये चीज़ है आपकी RS 200 की। तो कैसी लगी RS 200? तो फ्रेंड्स इसके एक शोरूम प्राइस की बात कर ले तो 1,52,300 की है। तो अगर जो आदमी KTM RC 200 नहीं ले सकता उसके लिए बेस्ट है RS 200, क्योंकि ये फुल पेयरिंग है, सेम एज इट इज़ है, आपको 200 cc का पावर मिल जाएगा। और प्राइस का तो मैं बता दिया एक शोरूम, ऑन रोड ये आपको लगभग 1,74,000 की आपको पड़ेगी, एक शोरूम बता दिया है, ऑन रोड भी बता दिया है। कुछ इंक्वायरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।